हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात को कि आपके जीवन में चमत्कार कैसे होने वाला है और क्यों होने वाला, उसके पीछे क्या कारण है, क्या गृहस्थिति है। और एक बात मैं पहले ही बता दूँ कि ये जो लाभ है मिलने वाला है तो वो भले आपकी कर्क राशि या लग्न है तो हर एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को ही मिलने वाला। किसको मिल सकता किसको नहीं, ये हम सब समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि किसी समय हम ये चर्चा कर सकते हैं कि किसको लाभ मिलेगा। तो जब आप पूरा देखेंगे ध्यान से बिना स्क्रिप्ट किए, तब ये समझ पाएंगे। प्रिय दर्शकों, जब कोई भी हम चर्चा करते हैं उसके जब आप गहराई में जाएंगे तो आप उसको पूरी तरह से समझ पाएंगे। हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की कि देवगुरु बृहस्पति आपको अब 13 जून से लेके जून, जुलाई और फिर अगस्त, यानी कि 20 अगस्त तक क्या लाभ देंगे, ये हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लाभ क्या मिलेगा और फिर समझेंगे कि क्यों और किसको मिलेगा। दर्शकों, यहाँ पर लाभ की हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है धन की मजबूती। इस समय धन आगमन के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। इस समय आपकी इच्छाएं, आपके ड्रीम पूरे होंगे। आप जो बहुत समय से सोच रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं, हर एक कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये जो मेरी इच्छा है, जो मेरी कामना है वो पूरी हो जाए, परंतु वो हो नहीं रही थी, पर अब ये हो सकता है। साथ में देखा जाए तो आप अपने जीवन में अपने बॉस से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आपके बॉस का सहयोग नहीं मिल रहा, साथ नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहता है। आप अपने जीवन में ये महसूस कर रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर उसका लाभ नहीं मिल रहा है, या आप अपने जीवन में ये घटित हो रहा है आपके जीवन में कि एक समस्या गई नहीं तो दूसरी समस्या आई, और एक रोग ठीक हुआ फिर दूसरा रोग आया, फिर दूसरी बीमारी आई, मतलब आए दिन छोटे मोटे रोग समस्याएं जीवन में बनी रहती हैं। आप अपने जीवन में यदि चाहते हैं कि आपका बहुत नाम हो, नाम कब होता है, जब दाम होता है, तो दाम आपके जीवन में बढ़ेगा तो नाम भी आपका बढ़ेगा। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में ये लाभ मिल सकते हैं, आपकी कामनाएं पूरी हो सकती हैं, धन लाभ हो सकता है, बॉस का जो बहुत ज़्यादा प्रेशर था वो कम हो सकता है। आप अपने जीवन में कहना चाहिए कि एक ऐसा समय जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए आप सोच रहे थे कि वो मौका क्या मेरे जीवन में भी आएगा, तो ये समय होगा जिसमें ये सब चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। और भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे, परंतु हमने जो चर्चा की तो वो लाभ क्या आपको मिलेगा और क्यों मिल रहा है ये लाभ है, ये भी समझिए। हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति दर्शकों 1 मई को ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, परंतु 7 मई को फिर अस्त भी हो गए थे और फिर 1 जून को उदय हो चुके हैं, और 13 जून को ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। कौन सा नक्षत्र? रोहिणी नक्षत्र, यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में अब देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, इसलिए आपको ये लाभ मिलेंगे। परंतु किसको लाभ ये मिलेगा, ये समझते हैं। लाभ उनको मिलेगा जिनकी कुंडली में गज केसरी योग बना है और पूरी तरह से प्रभावी है, यानी कि पूरी तरह से रिजल्ट दे रहा है। हमने पहले भी कई बार चर्चा जो है तो की है कि यदि आप योगों को समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको कैसे लाभ मिल सकता, पूरी तरह लाभ मिल सकता कि नहीं। तो और भी कुछ कंडीशन, एक तो गज केसरी योग हो गया, यानी कि आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा यदि युति करके बैठे हैं तो इसे गज केसरी योग कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग होता है, जीवन में बहुत कुछ देने वाला होता है। और या तो दृष्टि संबंध है गुरु और चंद्रमा का, क्योंकि दृष्टि संबंध को भी गज केसरी योग की मान्यता जो है तो कुछ ऋषियों का मत है कि मिली है, जो कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता जितना कि युति होती है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत मजबूत अवस्था में हैं, चाहे हम बात करें अंशबल की, चाहे हम बात करें षटबल की, तो मजबूत हैं।
और जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा में जो है तो एक सबसे महत्वपूर्ण बल होता है, अंश बल पक्ष बल तो ठीक ही है परंतु उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चंद्रमा के लिए हुआ करता है पक्ष बल। तो ये देखिए, चेक करिए कि पक्ष बल से चंद्रमा मौजूद है कि नहीं। और ये भी देख सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा किस नक्षत्र में है, तो ये भी आप समझ सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कहना चाहिए कि आपको इन विषयों पर ध्यान देना होगा कि क्या स्थितियां हैं, क्या आपके जन्म कुंडली में। इसके अलावा आपको दशाओं को समझना होगा। दशा में यदि महादशा देवगुरु बृहस्पति की है, अंतरदशा चंद्रमा की है, या चंद्रमा की महादशा है देवगुरु बृहस्पति की अंतरदशा है, तो इसका लाभ आपको मिल सकता है। और ये लंबे समय के लिए है, जैसे मैंने बताया कि 20 अगस्त तक का समय होगा, तो इसका लाभ आप ले सकते हैं। तो आप अपनी कुंडली को चेक करिए, तो कुंडली का विश्लेषण करवाइए और फिर आगे समझ सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय आपको कुंडली चेक करने के बाद करना चाहिए, या तो आप धर्म कर्म से जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सहयोग मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।